भाजपा की आक्रोश सभा और कलेक्ट्रेट में किया गया महाघेराव। जी हां, भाजपा की ओर से बुधवार को आक्रोश सभा और कलेक्ट्रेट में महाघेराव का आयोजन किया गया। सभा के बाद भाजपा नेता व कार्यकर्ता शहर के मुख्य बाजार व चौराहों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रदर्शन के दौरान पुलिस और नेताओं में झड़प हो गई। शहर विधायक संजय शर्मा पर एसटीएफ ने लाठीचार्ज कर दिया। उन्हें बचाने आए कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज किया गया, जिस कारण शहर विधायक संजय शर्मा वहीं धरने पर बैठ गए। जब इसकी सूचना अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं को मिली तो सभी धरने पर बैठे। शहर विधायक संजय शर्मा पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, सांसद बालकनाथ, विधायक मंजीत चौधरी, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, रामहेत यादव, पूर्व सभापति संदीप दायमा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। शाम तक धरना चलता रहा। भाजपा कार्यकर्ता जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। लाठीचार्ज करने वाले एसटीएफ के 4 जवानों पर कार्रवाई होगी, इसके लिए अलवर एसपी ने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा। पत्र में बताया गया कि भाजपा की जन आक्रोश रैली के दौरान अलवर शहर विधायक पर लाठीचार्ज व पत्रकारों से बदसुलूकी 4 जवानों द्वारा की गई, उसकी फोटो वीडियो संलग्न की गई, साथ ही उन जवानों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। बना लिया, दुकानें बना ली, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसका वहां कोई दुकान नहीं थी, यहाँ सामान रखने की जगह नहीं थी। शाम को संस्कार होते थे तो कोई लकड़ी बेचता था, कोई फूल बेचता था, ऐसे भी लोग थे, 354। ये थोड़ी संख्या नहीं होती है, ये थोड़ी संख्या नहीं होती है। 354 लोग व्यापारी भी थे, उद्योगपति भी थे और समुदाय के लोग थे, ब्राह्मण भी थे और मुस्लिम भी थे, दलित भी थे, ओबीसी भी थे, सभी समुदाय के लोग थे। इस 354 में 354 के 54 लोग वहां से जगह छोड़ के जाते हैं और बाबा विश्वनाथ और गंगा के बीच में अवरोध होता है, वो समाप्त हो जाता है और वहां एक भव्य कॉरिडोर बन जाता है, ऐसा कोई काम कर सकता है। पहले धक्का मुक्की हमारे साथ बहुत आई, इनिशियल स्टेज पे लाठीचार्ज किया, हाथ में हम पिटते कुटते पेड़ के नीचे आके बैठा। मैंने देखा कि अश्विनी यादव जी इंडिया पोस्ट के पत्रकार हैं, उनके ऊपर पुलिस ने लाठी चलाई। मैं तुरंत बीच में आया, उनको बचाने का प्रयास किया तो पुलिस ने मेरे ऊपर लाठी चलाई। अशोक गहलोत ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं, चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे मीडिया हो, उनको कुछ लो और गहलोत के खिलाफ कुछ मत बोलो। मैं घोषणा कर रहा हूँ, जब तक ये कर्मचारी पुलिस वाले माफी नहीं मांगेंगे, जोशी गर्मी से खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ, मैं नहीं उठूंगा धरने। ये अपनी लाठीचार्ज की जो कर रहे थे अत्याचार, उसकी कवरेज रोकने के लिए मीडिया के साथ भी इन्हें अभद्रता, हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि आम जनता ये समाचार नहीं पहुँचे कि अशोक गहलोत हर हालत में निरंकुश ताने रहे, उसको बचाने के लिए पूर्ण पुलिस का उपयोग कर रहे।